हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष खांबे और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीन क्लासेस के चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रोज 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू, और आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कुंडालिया परियोजना क्यों विवादास्पद है? ए, मध्य प्रदेश में सूखा लाएगा। बी, खेती की वृद्धि का कारण होगा। सी, जमीन का बड़ा हिस्सा डूब में जाएगा। डी, इस भूकंपीय क्षेत्रों को भूकंप आएगा। इसका उत्तर है सी, जमीन का बड़ा हिस्सा डूब में जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन कुंडालिया बांध वर्ष 2016 में विवादास्पद तब हो गया जब बांध प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों ने जमीन का बड़ा हिस्सा डूब में आने तथा उसका पर्याप्त मुआवजा न मिलने से बांध का निर्माण रुकवा दिया। कुंडालिया डैम 1,25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विशाल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज कुंडालिया प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल? ए, ड्रॉट इन मध्य प्रदेश। बी, फार्मिंग विल बी कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। सी, अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड विल बी सबमर्ज्ड। डी, एन अर्थक्वेक विल ऑकर इन दिस सिस्मिक जोन। आंसर इज सी, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड विल बी सबमर्ज्ड। The Kundalia Dam, constructed under the construction on the Kalisindh River in Jirapur Tehsil of Rajgarh district of Madhya Pradesh, became controversial in year 2016 when the villagers of the dam stopped construction of the dam after the large part of the land was submerged and without adequate compensation given. Kundalia Dam is the big project, have 1,25,000 hectare irrigation capacity. Prashn, संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है? ए, ग्वालियर। बी, रतलाम। सी, इंदौर। डी, विदिशा। इसका उत्तर है डी, विदिशा। संजय सागर बह मध्यम सिंचाई परियोजना तथा रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना दोनों मध्य प्रदेश के जिला विदिशा की सिंचाई परियोजना है। विदिशा के ग्राम बागोदा की रेहटी परियोजना 9,478 हेक्टेयर सिंचाई तथा 15,454.75 लाख लागत की 2007 के कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई थी, जबकि विदिशा जिले के शमशाबाद के ग्राम नहराई में संजय सागर बा मध्यम सिंचाई परियोजना का लोकार्पण जनवरी 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। जिले के नटेरन विकास खंड के ग्राम नहराई के समीप बाह नदी पर 135 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना से 40 ग्राम की 9,893 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स द बेनिफिट ऑफ संजय सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट? A, ग्वालियर। B, रतलाम। C, इंदौर। D, विदिशा। एंड द आंसर इज D, विदिशा। संजय सागर बा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रेहटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आर बोथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द ग्रांट ऑफ सैंक्शन वॉज मेड इन 2007 इन द रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट ऑफ बागोडा ऑफ विदिशा। Cost of 9,478 hectare and 15,454.75 lakh. While Sanjay Sagar Ba medium irrigation project was inaugurated in the month of January 2013 by the then Chief Minister Shivraj Singh Chauhan in village Nehriya of Shamshabad, Vidisha district. On the Bar River near village Nehriya of Natarian Vikas Khand in the district. Prashn 3. 1010-1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराना कौन सा बांध है? A, गांधी सागर बांध।
बी बारना बांध, सी साइक्लोपियन बांध, डी तवा बांध। उत्तर है सी साइक्लोपियन बांध। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान परमार राजा भोज द्वारा 1010-1053 ईस्वी में बेतवा नदी पर बनाए गए विशाल साइक्लोपियन बांध के लिए जाना जाता है। यह बांध प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच दो स्थानों पर विशाल पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया, जो इंजीनियर कुशलता का बेजोड़ नमूना है। कहा जाता है कि हुशंगशा, जो कि 1405 से 1434 ने इसे तुड़वा दिया था, यह सबसे पुराना बांधों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ओल्डेस्ट डैम बिल्ट इन 1010-1053 AD। ऑप्शंस आर ए गांधी सागर डैम, बी बारना डैम, सी साइक्लोपियन डैम, डी तवा डैम। एंड द आंसर इज सी, दैट इज साइक्लोपियन डैम। लोकेटेड इन भोजपुर ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द फेमस शिव टेम्पल विच इज कॉल्ड सोमनाथ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया is situated on the bank of river Betwa. This place is known for the huge cyclopean dam built on the river Betwa in 1010-1053 AD by Parmar King Bhoj. This dam was constructed between the two hills in the hills by two huge stones, which is an unmatched sapling of engineer skill. It is said that Hushangshah had broken it. It is one of the oldest dams. Prashn 4. Nimn ko sumelit kijiye. List 1, List 2. A. Balaghat, Bainganga, B. Orchha, Betwa, C. Shupri, Sindh, D. Pachmadi, Tawa. Iska uttar dekhte hain dosto ki kya sahi sumelit kiya hai नगर के किनारे स्थित और नदी का नाम। पहले नगर का नाम है बालाघाट और उसके सामने नदी का नाम है बेनगंगा। ओरछा, बेतवा, सी शिवपुरी, सिंध, पचमढ़ी, तवा। इसका मतलब यह है कि सभी नगरों के सामने दिए गए नदियों के नाम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बालाघाट, बाणगंगा, ओरछा, बेतवा, शुपरी, सिंध, पचमढ़ी, तवा। लेट सी द करेक्ट मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट द नेम ऑफ द सिटी एंड द नेम ऑफ रिवर। लेट सी, बालाघाट दैट इज बाणगंगा, ओरछा, बेतवा, शुपरी, सिंध, पचमढ़ी, तवा। इट मीन्स द नेम ऑफ द रिवर गिवन इन फ्रंट ऑफ ऑल द सिटीज आर करेक्ट। प्रश्न 5, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? ए गोविंद सागर बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी पगारा बांध। इसका उत्तर है बी इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा नर्मदा नगर के निकट नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। इंदिरा सागर झील मानव निर्मित देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस परियोजना के अंतर्गत 92 मीटर ऊंचाई एवं 653 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्वा बांध निर्मित किया गया है, जिसकी उपयोगी भंडारण क्षमता 9750 मिलियन घन मीटर जो कि 79 मिलियन एकड़ फीट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इंडिया? ए गोविंद सागर डैम, बी इंदिरा सागर डैम, सी सरदार सरोवर डैम, डी पगारा डैम। एंड द आंसर इज बी इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नर्मदा नियर पुनासा नर्मदा नगर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर लेक इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल लेक इन द कंट्री। Under this project, 92 meter height and 653 meter long concrete gravity dam has been built.
with useful storage capacity of 9,750 million cubic meter, that is 79 million acre feet. दोस्तों इसी के साथ आज हम आप सबके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक प्लीज आप हमारी वीडियोस लाइक कर दीजिए, ये हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ जो एमपीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।